चुनाव से पहले मोदी सरकार द्वारा अंतरिम बजट घोषित किया जा चुका है। पीयूष गोयल ने बहुत लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा की है, उन्हीं के बारे में जानकारी लेने के लिए हम हैं इस वक्त सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में। तब आपको कैसे लगा बजट? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, कहीं न कहीं से 2019 को चुनाव को देखते हुए ये एक प्रलोभन है, और भी सरकारें रही हैं। चुनाव आते ही कई तरह की घोषणा होती है, लागू दिसंबर में होगा, मार्च में आचार संहिता लगेगी, कहां तक ये बजट उन किसानों तक पहुंच पाएगा ये तो मुझे लगता नहीं। छात्र हैं, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा थी, क्या कैसे देखते हैं? सरकार तो ये कह रही है कि रोजगार मुहैया कराने से ज्यादा आज के नवयुवक रोजगार देने में विश्वास रखते हैं, आप क्या कहेंगे? सर, रोजगार देने में विश्वास रखेंगे। रोजगार देंगे? यस सर। एंटरप्रेन्योर बनेंगे आप भी? यस सर। महिलाओं के लिए कैसा रहा बजट में, क्या आपकी राय है? अरे, महंगाई इतनी हो गई है, किचन की हर चीज की जो है सस्ता होना चाहिए। ठीक, आप क्या कहोगे, आप भी छात्र हो? अरे, हम मतलब जो है कि रोजगार देने में मतलब सही है। हाँ, देखिए, मेरे ख्याल से मध्यम वर्गीय के लिए बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी खबर है। 2.5 लाख से 5 लाख लिया गया है, और किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो मेरे ख्याल से कुल मिला के अच्छा बजट कहा जाएगा। पावन के साथ साथ जो है ये फायदेमंद बजट है। बजट से हम बिल्कुल 100% संतुष्ट है। 2019 मोदी जी क्या चाहते हैं, वो आएंगे? मोदी जी आएंगे, मोदी जी को मैं लाऊंगा। क्या फीचर बजट में आपको सही सब चीज बजट लगा अच्छा? क्या, जैसे जैसे कि आयकर में जो 2.5 लाख रुपए की छूट थी उसको बढ़ा रहे हैं, हम लोग चाहते भी थे। बताइए, बैंक में 2.5 लाख रुपए क्या माने रखता है? कम से कम 5-6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए हो, ये हर परिवार की समस्या है, मेरी कोई अकेले समस्या नहीं। और मजदूरों के लिए कुछ उन्होंने घोषणा की, 6,000-3,000 नहीं, अच्छा किया उन्होंने, मजदूरी बढ़ना भी चाहिए, महंगाई बढ़ रही है तो मजदूरी भी बढ़ना चाहिए, अच्छी चीज है। कुल मिला के संतुष्ट हैं? बिल्कुल 100% संतुष्ट है। बढ़िया बाबू, गरीबा के लिए बढ़िया है। बढ़िया है। तो आने वाले 2019 लोकसभा में क्या लगता है, मोदी जी को लाएंगे कि? मोदी जी से बढ़िया है, बढ़िया सरकार। आमतौर पे जो धारणा है वो हर आदमी जान रहा है कि लोकसभा चुनाव चंद महीने बाद होने हैं, सरकार लोक लुभावन बजट की अपेक्षा की जा रही थी, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये रही बजट में कि जो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए टैक्स, इनकम टैक्स स्लैब रेट में बढ़ाया जा चुका है। कहीं ना कहीं हर वर्ग में मोदी जी के लिए लोकप्रियता का बढ़ाने का ही काम इस बजट ने किया है। ईडीवी भारत के लिए रायबरेली से प्रणव।